पिछोर के चांदनी चौक में 45 सालों से लगातार नवदुर्गा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें दुर्गा माता की स्थापना की जाती है और 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना की जाती है। नवयुवक मंडल समिति के सदस्यों ने बताया कि 45 साल से बराबर यहां पर मां दुर्गा की स्थापना नवदुर्गा पर की जाती है और मां का भव्य मंदिर भी समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा बनाया जाता है। माता के दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग यहां आते हैं। शिवपुरी जिले सहित ग्वालियर चंबल संभाग में 1977 में पहली बार चांदनी चौक में ही मां दुर्गा की स्थापना की गई थी। लगातार निरंतर यह परंपरा चली आ रही है और माता की नवरात्रि में स्थापना की जाती है। साथ ही साथ 9 दिन तक माता का भंडारा चलता है, जिसमें भक्तों द्वारा श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया जाता है। इस बार भक्तों द्वारा माता के दरबार से प्रदेश सरकार को भी एक संदेश भेजा जा रहा है। जो भी भक्त माता के दर्शन करने आ रहा है, वह पोस्ट कार्ड के माध्यम से पिछोर नगर को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री से अपील की जा रही है। इस तरह आपको बता दें कि माता के दरबार से भक्तों द्वारा सरकार को पोस्ट कार्ड के माध्यम से संदेश भेजा जा रहा है कि पिछोर तहसील को जिला बनाया जाए। संवाददाता सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। सर, ये जो चांदनी चौक में माता जी की प्रतिमा रखी है, ये कितने वर्षों से रखी गई है और क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? ये सर, ये है कि ये 1977 से करीब 45 वर्ष से हम लोग ये प्रतिमा का यहाँ स्थापना हो रही है और 45 साल से युवा लड़के चांदनी चौक में सबसे पहली, मतलब जिले की क्या मैं समझता हूँ संभाग की पहली प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। उसके बाद में ये लगातार सिलसिला आज जो है जारी है और हमारे युवा कार्यकर्ता जो है अब उनको जो है बारी बारी से अपना अपनी जिम्मेदारियां संभालते जा रहे हैं। और यहाँ कुछ और युवाओं द्वारा मांग की जा रही है शासन? हाँ, यही माँ के दरबार में हम लोगों ने एक मांग की है, वो पोस्ट कार्ड के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए पोस्ट कार्ड भिजवाए जा रहे हैं कि छोर को जिला घोषित करने की कृपा करें।